भारत के कई राज्यों में अग्निपथ योजना का भारी विरोध हो रहा है, जिनमें दिल्ली, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, देश के 11 राज्यों में अग्निपथ योजना का भारी विरोध हो रहा है। तो वहीं वायुसेना ने 24 जून से भर्ती शुरू करने का ऐलान कर दिया है। जवानों को फायदा होगा, मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। साथ ही रक्षा मंत्री ने युवाओं से तैयारी में जुट जाने की अपील की है। भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। राजधानी पटना समेत बिहार के 22 जिलों में उग्र विरोध प्रदर्शन जारी है। समस्तीपुर, लखीसराय, आरा और सुपौल में कुल 6 ट्रेनों में आग लगा दी गई है। बक्सर और नालंदा में रेलवे ट्रैक पर आगजनी की गई। प्रदर्शनकारियों ने बेतिया में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के आवास पर हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश के बलिया में रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने जमकर तोड़फोड़ कर दी। हरियाणा में भी भारी विरोध शुरू हो गया है। नारनौल में युवाओं ने उग्र विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की। इस दौरान हालात संभालने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में सैकड़ों युवाओं ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। झारखंड के पलामू में भी अग्निपथ का भारी विरोध नजर आया। राजस्थान के भरतपुर रेलवे जंक्शन में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मियों को लहूलुहान कर दिया। वहीं दिल्ली में आपके छात्र संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर भी आगजनी और तोड़फोड़ की खबर सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार।